आज हम देखते हैं अध्याय दो चरणों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली दो। प्रश्नावली दो का तीसरा क्वेश्चन है निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। ये बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, किसी भी विधि से हल कीजिए। किसी भी विधि मतलब तीन विधि होता है, चार विधि होता है। सबसे पहला विधि होता है रेखा, कितने विधि होते हैं, चार। पहला विधि है होता है इसका प्रतिस्थापन विधि, क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। सेकेंड होता है इसका विलोपन विधि, यहाँ क्या होता है, सेकेंड इसका विलोपन विधि। और उसके बाद होता है तीसरा होता है इसका वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। उसके बाद होता है फोर्थ होता है इसका आलेखीय विधि, क्या होता है, आलेखीय विधि। तो हम देखेंगे इसको बारी बारी से देखेंगे, एक ही प्रश्न को चारों विधि से हल करेंगे और सब में क्या जाएगा, एक ही आंसर आएगा। तो देखना, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद वज्रगुणन विधि, उसके बाद आलेख। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहला है क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन मतलब अब प्रतिस्थापन अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना, अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो जैसे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है x माइनस y बराबर क्या है, माइनस का समीकरण नंबर एक। और उसके बाद क्या है, 3x माइनस 2y बराबर क्या है, 12 समीकरण नंबर दो। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये समझो। प्रतिस्थापन मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना। देखो अगर मैं इसमें x के किसी भी चर को मान निकाल सकते हैं, अगर y का मान निकाल सकते हो तो x का भी निकाल सकते हो। x का मान निकाल के माइनस y कर जाएगा तो प्लस y। देखना समीकरण एक से, समीकरण एक से देखना, समीकरण एक से x माइनस y बराबर क्या है, माइनस वन, माइनस y इधर आएगा तो प्लस y, x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस वन आया इधर आएगा तो समझो। इसके बाद क्या करना है, इस x के मान को समीकरण दो में रखना है। देखना x का मान समीकरण दो में, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर तो देखना क्या हो जाएगा, समीकरण तो ये है 3, x की जगह में क्या रखना है हमें, y माइनस 1, बीच में क्या है, माइनस 2y बराबर क्या है 12। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा करो 3 का गुणा y से, तो 3y माइनस और प्लस, माइनस 3 एकम 3, इधर क्या है माइनस 2y बराबर में 12। देखो 2y y के साथ भी है, इसके साथ भी y, ये इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा नहीं, जैसे सेम सी रहता है वो जुड़ता है घटता है। देखो 2y सामने में क्या है माइनस, 3y सामने में क्या है प्लस, असमान चिन्ह क्या होता है घटता है। देखो 3 माइनस 2y गया 1y, इधर क्या बचा माइनस 3 बराबर में 12। तो y माइनस 3, y का मान निकालेंगे माइनस 3 घट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 12, मतलब y बराबर कितना आया 15, कितना आया 15। अब y का मान किस तरह के लिए, समीकरण 1 या 2 किसी भी में रखो x का मान निकल जाएगा, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखना यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखना क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर माइनस 1 है तो x माइनस y के जगह क्या रखेंगे 15 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस 15 इधर माइनस 1, 15 में से एक दिया क्या हो जाएगा 14, क्या आया x का मान 14 और y का मान कितना है 15, कितना आया 15। अब यहाँ लिखना है जब x और y का मान, जब x और y का मान आता है तब समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता। इसी को देखेंगे हम लोग, इसी प्रश्न को दूसरा विधि बनाकर देखेंगे, क्या है दूसरा विधि, विलोपन विधि, क्या है विलोपन विधि। तो ध्यान से समझना, विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखो एक संख्या को विलोपित करते हैं, जैसे अगर x को हटाना है तो y को हटाना है, किसी भी एक संख्या को हटाना रहता है विलोपन विधि। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है
एक्स माइनस वाई बराबर क्या है माइनस वन और थ्री एक्स माइनस टू वाई बराबर क्या है 12। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। अब ध्यान से समझना, देखो विलोपन विधि किसी भी संख्या को एक को पटाना है, जैसे y पटा सकते हैं या x को पटा सकते हैं। तो जैसे मैं x को पटा रहा हूं, x वाले को सेम सेम करना पड़ेगा। देखो x के सामने में क्या है 3, x के सामने में क्या है 1। अगर यहां मैं 3 लाना चाहूंगा तो इसका गुणा करूंगा यहां 3 का और यहां इसका गुणा करूंगा 1 का। मतलब कहने का मतलब है समीकरण 1 में जो x के सामने में है उसका समीकरण 2 से गुणा कर देना है, और समीकरण 2 में x के सामने में है उसका किससे गुणा करना है समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 3, समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में, समीकरण 2 है इसमें किससे गुणा करेंगे 1 का, समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर, घटाने पर घटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां हमको घटाना है। देखना x को घटाना है, इसलिए समीकरण 1 क्या करेंगे 3 का गुणा, तो 3 का 3x माइनस 3y बराबर माइनस 3। अब समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे 1 का, तो 3 एकम 3x माइनस 2 एकम 2y और 12 एकम 12। घटाना है तो सामने में क्या है प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। ये समझ में आया? इसके बाद देखना क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये सामने में माइनस 3y, ये सामने में प्लस 2y। अब ये चिन्ह नहीं रहा, कौन सा चिन्ह आ गया प्लस, तो माइनस 3y में से 2y जाएगा, देखो क्या हो जाएगा माइनस y, क्योंकि बड़ा संख्या सामने वाले चिन्ह लग रहा है, सामने क्या है माइनस। अब देखो इसके सामने माइनस, इसके सामने भी माइनस, तो समान चिन्ह जुड़ता है, समान चिन्ह जुड़ता है, 12 और 3 15 क्या हो जाएगा 15। और देखो बड़ा संख्या सामने वाले चिन्ह लग रहा है, सामने क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस इधर कट गया, तो y बराबर कितना है 15। अब इस y को मान के बाहर करेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो, देखो x माइनस y बराबर क्या है माइनस 1, तो y का मान क्या रखेंगे 15, x माइनस 15 बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1 पे इधर आए तो प्लस 15 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 में से किया तो देखिए इसमें भी y का मान 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें x का मान 14 है, इसमें भी x का मान 14। इतना तो सब आया समझ में, उसके बाद कितना है जब x और y का मान निकलता है क्या निकलता है समीकरण निकाल कर जिसके हल प्राप्त हो जाए। अब बाकी को हम सब वज्रगुणा विधि और आत्म विधि अगले वीडियो में देखेंगे।